welcome back to my channel। actually the vlog which you will be watching will be from tomorrow और आज सिर्फ उस vlog की तैयारी है। that is I'm going to oil my hair because I am going to step out tomorrow। but after a very long time I'll be going like a proper outing because अभी तक मैं सिर्फ एक दो drive पे गई हूँ, otherwise किसी काम से ही गई हूँ। but I haven't stepped out of the house yet। so अभी I'm oiling my hair so that कल मैं एकदम preppy feel करूँ। so I will see you guys tomorrow। सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे और मैं तब से कपड़े डिसाइड करे जा रही हूँ। एंड फाइनली आई थिंक आई एम गोइंग टू वेयर दिस बिकॉज घर पे सिर्फ शॉर्ट्स पहन के बाहर के कपड़े समझ ही नहीं आते क्या पहन के जाओ और क्या लेना। चलो सीधा गाड़ी पे मिलते हैं। मैं जब भी गाड़ी लेके अब निकलती हूँ ना, वैसे ये जो दिख रहा है ना ये एक यहाँ पे कट है, तो मेरे सनग्लासेस कभी भी बाहर आ सकते हैं, इसलिए मैंने टेप से जुगाड़ मार के चला रखा है। तो मैं जब भी गाड़ी लेके बाहर निकलती हूँ ना, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मतलब मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ अभी दिल्ली में गाड़ी चलाए हुए। और मतलब ये तो चलो अच्छी चीज़ है कि मैंने वहाँ पे इन फ्रांस कभी गाड़ी चलाई, मेरे को इतना डिफरेंस नहीं लगता। बट मैं ये भूल गई थी कि दिल्ली में ये भी होता था। मतलब 10:30 बजे ये हाल है, तो बैक टू जो नॉर्मल वाला होता था ना कि 10 साढ़े 10 बहुत ज़बरदस्त जाम मिलता था हर जगह। आई वॉज नॉट यूज टू दिस, तो मेरे को ये अभी याद आया कि अच्छा हाँ आज का वैसे वेलकम दे दूँ। ओला अमीगोस, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम ऑन माई वे टू आई डोंट नो वेयर, कुछ प्लान फिक्स नहीं है कि कहाँ जाने का विचार है। बट द थिंग वॉज कि मेरे को ड्राइव के अलावा कहीं आज बाहर निकलने का मन था। बट मतलब क्या कर रखा है, पूरी दुनिया बाहर है, मतलब क्या हो रहा है। बहुत ज़्यादा टाइम के बाद सिर्फ ड्राइव के अलावा किसी काम से भी बाहर निकल रही हूँ। तो प्रोबेबली आई विल गो टू अ मॉल, प्रोबेबली, आई एम नॉट श्योर। अभी क्लच ब्रेक खेलते हैं और जब कहीं पहुँच जाऊँगी तब बता दूँगी। प्लेन, 3rd प्लेन आज का। सेफ फ्लाइट जो भी अंदर बैठा है। सब अपना यहाँ से फीवर चेक करा रहे हैं। अच्छा लग रहा है। इतने दिनों बाद बाहर निकल के ऐसा लग रहा है अलग ही दुनिया है ये। यहाँ तो कुछ मिला नहीं। ये वाला कौन सा है? Why did I never notice this कि ये दिल्ली में भी है? Let's see। Obviously ये इंडियन वर्जन के हिसाब से होगा। पैन और शोकला 200। पैन और रेजा नहीं है इनके पास, जो मैं खाती थी सबसे ज्यादा। वाओ, इतनी खुशी हुई पॉल को यहाँ पे देख। अब एम्बियंस जाएंगे। अब भूख मिटाने वहाँ जाया जा रहा है, फैब इंडिया नहीं, फैब कैफे बाय फैब इंडिया। ये मेरी हिट लिस्ट में पिछले साल से था, पता है? 1 साल पहले से यहाँ जाना चाहती थी, बट मौका आज लगा है, तो डोंट डिसअपॉइंट मी। वैसे सुंदर लग रहा है यार। मुझे तो लग रहा है इतनी बारी हाथ सैनिटाइज करके ना अब हाथों में से आग निकलेगी सीधा। कितना सुंदर लग रहा है। Come here, no plastic। डिस्पोजेबल है। जो कि खुद ही कॉम्प्लीमेंट्री है और ये है जैगरी सिरप। पहले बिना इसकी पी के देखते हैं हाउ इज इट। एक्चुअली कल पता नहीं किस मूवमेंट पे क्या मैंने रिस्ट ट्विस्ट करी है, आई हैव नो आइडिया। और मेरे को वही जो तूला में पेन हुआ था, इट्स बैक अगेन, बट इट्स इवन टेरेबल। आई एम नॉट एबल टू प्लेस माई रिस्ट एकदम फ्लैट, मतलब टच होते हुए भी दर्द होती है। और रात को नींद में पता नहीं मैंने कहीं खारिश करी, उसमें भी इतनी तेज़ मेरे को पेन हुआ। तो मैंने ये डिसाइड किया दैट आई शुड गो फॉर एक्सरसाइज, एंड आई गेस आई विल नॉट बी एबल टू एडिट फॉर सम टाइम बिकॉज you need your left hand for edit also, so I'm not able to really move my fingers that much, which is why I think I'll only shoot some videos till the time ये ठीक हो। but पहले एक बारी कॉल करके पूछते हैं कि एक्सरे कहाँ पे होगा और कितने बजे मैं जा सकती हूँ, because I have like अभी चलते चलते भी ना कटक 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 करके आवाज़ आ रही है। तो I'm sure there is something and I should address this. Ouch. I should not do this probably. So after making a few calls फाइनली एक जगह मैंने एक्सरे ढूंढ लिया है, मैं वहाँ जाके कराने वाली हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ उनका टाइम मैच कर रहा है मेरे रूटीन। गेट माई एक्सरे डन आज के एजेंडा में। एंड वन मोर थिंग जो मैंने मतलब टिक ऑफ कर दिया अपनी टू डू लिस्ट में से वॉज टू गेट इन टच विद द यूट्यूब टीम। वैसे मुझे अभी तक पता ही नहीं था हाउ टू गेट इन टच विद देम, तो आई फाउंड अ वे। एंड जो थोड़ा ग्लिच चल रहा था मेरे चैनल पे, आई थिंक बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाए। कहाँ जा रही हो? As I said, 6:30 हो गए हैं। I really wanted to tell you this particular thing because ये मैंने Decathlon से ली थी socks, if you remember, because ये मैंने vlog भी किया था लेते हुए। And this is such a great investment, like grip देती है ये वाली socks ना literally। इससे पहले जितनी भी मैंने socks पहनी है इतनी अच्छी कोई नहीं निकली। Plus ये यहाँ से protection भी देती है, so there is no point of shoe biting. So really like this for workouts and for other purpose. If you are a sneakerhead, invest in great pair of socks. Chalo, let's get started. Yes, mommy. So पर्दा गिर चुका है मेरे रूम का, पता नहीं फॉर द 100th टाइम। और वर्कआउट हो गया है, ज़्यादा नहीं हो पाया क्योंकि हर एक्सरसाइज की पोजीशन में रिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो जितना हो सकता था मैंने कर लिया। अब आई एम जस्ट गोइंग टू गो आउट और इसी टी शर्ट के ऊपर शर्ट पहन के जा रही हूँ। एंड वॉट एल्स इतने जन्मों बाद कहीं पैदल जा रही हूँ, तो पता नहीं काफ़ी वियर्ड भी लग रहा है, बट अच्छा लग रहा है इतने सारे लोग देख के। बट हाँ, अच्छी बात यह है कि सबने मास्क तो पहना ही हुआ है और मैंने दो लगा रखे हैं क्योंकि ये वाला मास्क लूज़ है और ब्लू वाला मेरे को थोड़ा कम लगता है एज प्रोटेक्शन, तो इसलिए मैं दो लगा के जा रही हूँ। कितना प्यारा क्लाउड हो रहा है। एंट्री एक्सरे कराना है, एक्सरे। हाँ अच्छा, VNA 80 लेटर का क्या मतलब हुआ? अच्छा अच्छा, वो वाली पूरी वार्ड वो कोविड के लिए हो गई है। से होता है भैया, कहाँ रखना है हाथ बता दो। ऐसे हाँ, तो आप प्रॉपर ऐसे रखिएगा। रिस्ट जो कि थोड़ी सेंटर में लो, थोड़ा दिक्कत कहाँ पर आपको ज़्यादा रिस्ट है ना, थोड़ा इसको आगे लाओ आपको। Dinner time, dinner time, dinner time.